जैसे जैसे मैं इसको आगे करता रहूँगा रीडिंग ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में चेंज होती रहेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। So hey, what's up guys, Harshan and back in the video. So guys, in this video I'll tell you how you can create your very own sonar sensor using a simple Arduino board एंड अ अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये दोनों चीज़ें आपको काफ़ी चीप मिल जाएंगी। अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी खरीदना है, मेरे पास लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहाँ पे जाकर कभी भी क्लिक कर सकते हैं। एंड यू ऑब्वियसली यू नीड सम जम्पर वायर्स। मेरे पास आर्डिनो के काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू चेक देम आउट आई हैव द लिंक्स राइट इन डिस्क्रिप्शन फॉर दैट वन एज वेल, और यू कैन क्लिक राइट ओवर हेयर। एज यू कैन सी दिस राइट हेयर इज़ अ अल्ट्रासोनिक मॉड्यूल। इसमें चार पिन होती हैं, ग्राउंड पिन, इको पिन, ट्रिगर पिन और जो VCC हमारा इनपुट पिन होता है। लेट्स से आपको ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, तो जो ये ट्रांसमीटर वाली पिन है, सो जो ट्रांसमीटर है यहाँ से एक अल्ट्रासोनिक वेव जाएगी जो कि स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल करेगी और इस पे टकराने के बाद वो इस रिसीवर पे रिसीव होएगी। सो ये सिंपल फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो हमें स्पीड पता है एक साउंड वेव की कितनी होती है, जो होती है 340 meters per second। सो उससे सिंपली आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कितनी देर बाद अगर वो वापस आती है। सो इस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। एंड नाउ लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड। सो इसमें बिल्कुल सिंपल सी है, कुछ ज़्यादा भी रॉकेट साइंस नहीं है। सो अब जो ग्राउंड वायर होगी, जो हमारे इस अल्ट्रासोनिक मॉड्यूल की ग्राउंड वायर है, वो सिंपली हमारे आर्डिनो की हम किसी भी उसको ग्राउंड वायर में इंसर्ट, ग्राउंड पोर्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ग्राउंड होते हैं और एक यहाँ भी ग्राउंड होता है। सो मैं इसको इस वाले ग्राउंड में इंसर्ट कर देता हूँ, बूम। और जो नेक्स्ट पिन है वो है इको पिन। जो इको वाली वायर है उसको हमें इसके 7th पिन में अंदर डालना है। एंड दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पल्स विद मॉड्यूलेशन। और इसके बाद जो उसकी ट्रिगर वाली पिन है उसको आपको डालना है 8th पोर्ट पर आर्डुइनो के, एंड बूम। और उसके बाद जो हमारी VCC है उसको डालना है हमें 5 volts पर। तो अब हमने इसे सारे कनेक्शंस कर दिए हैं एंड मेरे पास पूरा सर्किट डायग्राम भी है डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर यू चेक दैट। सो नाउ लेट्स जस्ट क्विकली गो ऑन टू आवर कंप्यूटर्स एंड नाउ लेट्स जस्ट क्विकली अपलोड द प्रोग्राम। All right, so now I have connected my Arduino board to my laptop. So इसके लिए आपको दो कोड्स की जरूरत पड़ेगी। पहला होगा आपका जो वो होगा प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। I just tell you in a minute कि प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। पहले हम जो ये नीचे include mouse वाला H वाला कोड है, इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड वी विल पेस्ट इट इनटू द Arduino IDE ऐप। सो अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो इसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यू जस्ट क्लिक ऑन अपलोड, सेव दिस थिंग। Alright, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डन अपलोडिंग लिखा आ गया है। आई सजेस्ट यू गाइस टू रिमूव ऑल द कनेक्शंस ऑफ द अल्ट्रासोनिक मॉड्यूल फ्रॉम द Arduino एंड देन अपलोड इट। सो मैंने सारा कनेक्शन हटा दी तो उसके बाद अपलोड किया एंड नाउ इट इज सक्सेसफुली अपलोडेड। सो अब मैं सारा कनेक्शन कर देता हूँ एक बार अपने Arduino बोर्ड पर। एंड नाउ यू नीड टू हेड ओवर टू द प्रोग्राम लिस्ट एंड कॉपी दिस प्रोग्राम। दिस इज फॉर द प्रोसेसिंग। सो प्रोसेसिंग बेसिकली इसमें हम बोल सकते हैं, सिंपल वर्ड में मैं बोलूँ तो प्रोसेसिंग का मतलब है इसमें सिंपल हमें आउटपुट एक डिजिटल स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा जो कि हमारा मॉनिटर होगा। सो आप लोग उसको प्रोसेसिंग ऐप पर पेस्ट कर देंगे उस पूरे प्रोग्राम को, और इस प्रोसेसिंग ऐप की भी लिंक्स मेरे पास डिस्क्रिप्शन में है। और जो प्रोसेसिंग विंडो है उसमें होगा माय पोर्ट का ऑप्शन। सो इसमें आपको इसमें बाय डिफॉल्ट जो मैंने लिख रखा है उसमें है माय COM3 पर। सो आपको इसको अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा आपका डिवाइस जिसमें भी होगा। इसके अगर आपको जानना है कि आपका कोड क्या है तो आपको ओपन करनी पड़ेगी Arduino IDE ऐप और उसके बॉटम राइट कॉर्नर पर लिखा होता है Arduino Uno on COM। सो मेरा अभी COM5 पर है इसलिए मैं इसको काट के 5 कर देता हूँ। एंड नाउ आई जस्ट क्लिक ऑन रन एंड देयर यू गो, एक ऐप डिस्टेंस पूरा खुल गई, एक नई विंडो जिसमें हमें पूरा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। एंड नाउ लेट मी जस्ट शो यू कि ये पूरा काम कैसे कर रहा है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना ये पूरा Arduino बोर्ड को कनेक्ट कर रखा है मेरे लैपटॉप के साथ, और यहाँ पे मैंने एक आपको दिखाने के लिए एक स्केल लगा रखा है, और यहाँ पर है हमारा ये अल्ट्रासोनिक मॉड्यूल। सो नाउ आई जस्ट शो यू कि काम कैसे करता है या फिर ये सही से काम करता है या नहीं करता है। ऑलराइट, सो अब मैं इस रिमोट को 13 centimeter के अराउंड रखूँगा। वेट, लेट मी जस्ट शो यू। सो यहाँ पर है 13 centimeter। अब मैं इसको यहाँ पे 13 centimeter के ऊपर रख दूंगा इस तरह से। एंड नाउ लेट मी जस्ट शो यू कि जो मेरे कंप्यूटर की रीडिंग है वो कितनी है। एंड सो ऑलराइट गाइस, एज यू कैन सी 13 centimeter इज माई कंप्यूटर रीडिंग। एंड नाउ लेट मी जस्ट, जैसे जैसे मैं इसको आगे करता रहूँगा रीडिंग ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में चेंज होती रहेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो अभी हमारे स्क्रीन पर आ रहा है 27 centimeters। एंड अगर मैं आपको स्केल पर दिखाता हूँ कि हमने इसका जो फ्रंट एज है वो कहाँ पर रखा हुआ है, एंड दैट्स ऑल्सो ऑन 27 सेंटीमीटर। सो आई थिंक दैट दिस थिंग इज़ प्रीटी कूल।
एंड सोलॉइड के जैसे कि आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर है अराउंड 10 सेंटीमीटर। एंड वेट लेट मी जस्ट शो यू हेयर एज वेल, दिस थिंग इज ऑन 10 सेंटीमीटर्स। वेट सो गाइस आई थिंक दैट दिस थिंग इज प्रीटी कूल एंड इफ यू वांट टू ट्राई इट दिस इज प्रीटी मच इजी एंड यू कैन मेक इट इन 5 मिनट्स और सो। सो गाइस आई थिंक दैट स्टफ वाज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो।